कन्नौज के गुरसहायगंज नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए टंकी निर्माण का काम एक साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें बरेली के ठेकेदार को निर्माण का काम मिला था। सरकार बदली तो निर्माण कार्य की जांच शुरू हो गई, जिसके बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। मजदूरों को उनके काम के रकम की चेक देकर वह फरार हो गए। जब मजदूर रुपए निकालने बैंक पहुंचे तो चेक बाउंस हो गए। परेशान मजदूर अपनी मेहनत की रकम के लिए परेशान है। टंकी की निर्माणदायी संस्था जल निगम तक जब मामला पहुंचा तो अफसरों ने ठेकेदार की तलाश शुरू करवाई है। जल निगम के प्रभारी अधिशाषी अभियंता बीएस चाहर का कहना है कि ठेकेदार को ट्रेस करवा कर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी सिक्योरिटी मनी से मजदूरों का भुगतान करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेस कराएंगे और कॉन्ट्रैक्टर ने जिस तरह के जो ये गलत कार्रवाई की है या चेक बाउंस हो रहे हैं तो 100% कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो डेबिटेबल एजेंसी लगा के हम इस काम को कराएंगे पूरा, और जो भी उसकी सिक्योरिटीज वगैरह है उससे उसकी रिकवरी करेंगे। मामला ये है सर, हम लोग यहाँ 20-25 आदमी टंकी पर काम कर रहे हैं, जल निगम की तरफ से पैसा मिल नहीं रहा है। लगभग होगा 5-6 लाख रुपए होगा लेबरों का, और जो ठेकेदार ने जो चेक दी है वो भी सभी बाउंस हो गई है।